अंत भला तो सब भला, क्या समझे? क्या माना जाए? आप समझदार हो, गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में सीट शेयरिंग की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपीएमपी की सीटों पर समझौता कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दे दी है। 2008 के परिसीमन के बाद 2009 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां 5% वोट हासिल नहीं कर पाए। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार भी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 2-4 लाख वोट के अंतर से चुनाव हार चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में खजुराहो से बीजेपी के जितेंद्र सिंह बुंदेला 28,332 वोट के मामूली अंतर से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नागेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राजा पटेरिया को 2,47,490 वोट के अंतर से हराया था। 2019 में बीजेपी के बीडी शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार कविता राजे को 4,92,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया था। अब इस सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस सीट पर सपा से हुए गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। गौरतलब है कि खजुराहो लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सांसद हैं। पिछले 4 लोकसभा चुनावों से कांग्रेस लगातार इस सीट पर चुनाव हार रही है। 1999 में कांग्रेस से आखिरी बार सत्यव्रत चतुर्वेदी यहां से सांसद चुने गए थे। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 8 विधानसभाओं राजनगर, चंदला, पवई, गुनौर, पन्ना, विजय राघवगढ़, मुड़वारा और बहोरीबंद में बीजेपी के ही विधायक हैं। 2008 के परिसीमन के पहले खजुराहो लोकसभा में निवाड़ी, जतारा, खरगापुर, टीकमगढ़, बिजावर, छतरपुर, महाराजपुर और चंदला विधानसभाएं शामिल थीं। 2008 में हुए परिसीमन के बाद खजुराहो लोकसभा में से निवाड़ी, जतारा, खरगापुर, टीकमगढ़, बिजावर, छतरपुर और महाराजपुर विधानसभाओं को अलग कर टीकमगढ़ लोकसभा में शामिल कर एक अलग सीट बनाई गई थी। अब जान लीजिए कि सपा ने खजुराहो सीट क्यों मांगी है। दरअसल मध्य प्रदेश के चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका यूपी से सटा हुआ है। यूपी की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सपा का प्रभाव है। समाजवादी पार्टी खजुराहो में मध्य प्रदेश का प्रदेश कार्यालय बनाने जा रही है। इसके लिए सपा ने जमीन भी खरीद ली है। ऐसे में सपा इस सीट पर ओबीसी कैंडिडेट उतार कर कांग्रेस के साथ चुनावी मुकाबले में जीत हासिल करने का प्लान बना रही है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने एक सीट खजुराहो पर चुनाव लड़ने की सहमति कांग्रेस से प्राप्त की है और बाकी सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। हम मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से एक सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे।